जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी अभी हाल ही में अप्रेंटिसशिप की निकली है। अप्रेंटिस की ये वैकेंसी अभी हाल ही में RRC द्वारा निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो जोन है उसमें फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर द्वारा ये वैकेंसी फ्रेंड्स अभी हाल ही में आउट की गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर है ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि क्या कुछ खास इसमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन नंबर हमें दे रखा है एक्ट अप्रेंटिसशिप 2023। ये फ्रेंड्स ये दे रखा है NERRRC एक्ट अप्रेंटिस 2022-23। ये है नोटिफिकेशन नंबर। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो डेट है 3 जुलाई को ये नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आउट किया गया है। तो ये जो एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2022-23 अभी हाल ही में निकाला गया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो फ्रेंड्स तारीख हमें दे रखी है वो दे रखी है 3 जुलाई 2023 10 बजे से। मतलब कि फ्रेंड्स, हम जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो ये जो बिगनिंग डेट हमें दे रखी है 3 जुलाई 2023 से सुबह के 10 बजे से फ्रेंड्स हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हमें लास्ट डेट दे रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो कि 2 अगस्त 2023 है और शाम को 5 बजे तक फ्रेंड्स हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमें ये जो बिगनिंग डेट है और लास्ट डेट है दोनों दे रखी है। लगभग 1 महीने तक फ्रेंड्स हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए पहले ही अप्लाई कर देना है, वेट नहीं करना है ताकि फ्रेंड्स बाद में सर्वर बिजी ना हो और फॉर्म को सबमिट करने में कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको पहले ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है। और ये वैकेंसी है तो कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या फ्रेंड्स पोस्ट है और क्या क्या इसके रूल्स और रेगुलेशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस फॉर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल। ये फ्रेंड्स दे रखा है कि जो अप्रेंटिस एक्ट था 1961 के तहत ये अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। तो ये 1962 में इन फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये हमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है उनकी कौन कौन सी यूनिट्स है। तो मैकेनिकल वर्कशॉप की यूनिट है जो कि गोरखपुर में है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये दे रखा सिग्नल वर्कशॉप की है जो कि गोरखपुर कैंट में है। इसके साथ ही ब्रिज वर्कशॉप की है जो कि गोरखपुर कैंट में है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये वर्कशॉप्स है जिनमें जो ये रेलवे के कोच वगैरह बनते हैं, लोको पायलट जो ड्राइवर वगैरह इंजन वगैरह बनते हैं वो फ्रेंड्स इनमें बनते हैं। तो इनके लिए वर्कशॉप वगैरह दे रखी है, यूनिट वगैरह दे रखी है। तो इसके आगे चलते हैं, द डिटेल्स ऑफ ट्रेड वाइज स्लॉट्स विद ब्रेकअप ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS दिव्यांगजन एक सर्विसमैन एंड डियर वार्ड आर एज अंडर, ये हमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स, ये जो अलग अलग वर्कशॉप है और यूनिट है तो इनमें अलग अलग वैकेंसीज है और फ्रेंड्स OBC की SC ST की इनमें रिजर्वेशन दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि जो वैकेंसीज है उनके बारे में समरी है वो क्या दे रखी है। तो पहले तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो गोरखपुर में मैकेनिकल वर्कशॉप है उसके लिए फ्रेंड्स पेटर हमारे पास ट्रेड दे रखी है। इसी प्रकार वेल्डर हमारे पास ट्रेड दे रखी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन भी हमारे पास ट्रेड दे रखी है। कारपेंटर हमारे पास ट्रेड दे रखी है। पेंटर हमारे पास ट्रेड दे रखी है। मैकेनिक्स ये हमारे पास ट्रेड दे रखी है। इस प्रकार 6 से 7 ट्रेड्स हमारे पास दे रखी है और इनका जो ट्रेनिंग पीरियड है, मतलब अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो हमें दे रखा है, इस सभी का 1-1 साल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये वैकेंसी 1 साल के लिए है। तो 1 साल बाद में फ्रेंड्स आपको इस अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके किस काम आएगा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें दे रखा है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है फिटर ट्रेड में वो कि 57 वैकेंसीज है। इसके साथ ही EWS है फिटर ट्रेड में जो कि 14 वैकेंसीज है। SC की फ्रेंड्स 21 वैकेंसीज है। OBC की यदि हम देखें तो 38 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज हमें दे रखी है और फिटर ट्रेड में फ्रेंड्स ये जो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर है इसमें टोटल मिलाकर 140 वैकेंसीज है। इसके आगे चलते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमें ये जो रिजर्वेशन वाइज कैटेगरी वाइज ये हमें दे रखा है
तो इसके साथ ही फ्रेंड्स जिस प्रकार यूनिट चेंज होती है तो उसी प्रकार हमारी वैकेंसी चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो ओबीसी है उसके लिए ये जो गोरखपुर है वर्कशॉप, इसमें फ्रेंड्स यदि देखें हम तो 111 टोटल वैकेंसीज है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो सभी कैंडिडेट्स के लिए यदि हम देखें तो टोटल वैकेंसीज हो गई 441। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसीज हमें दे रखी है। तो इसके आगे देखते हैं सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, ये दूसरी यूनिट आ गई और दूसरी यूनिट में फ्रेंड्स इसी प्रकार वैकेंसीज हमारे पास दे रखी है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, इसी प्रकार इसमें भी वैकेंसीज दे रखी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अलग अलग यूनिट्स है और अलग अलग इनमें वैकेंसीज के बारे में दे रखा है। तो इस प्रकार टोटल हम देखते हैं तो टोटल मिलाकर लगभग 1104 वैकेंसीज इसमें दे रखी है। ये फ्रेंड्स इसमें टोटल वैकेंसीज दे रखी है। अब ओबीसी की यदि हम देखें तो फ्रेंड्स 294 वैकेंसीज है, ये ओबीसी की वैकेंसीज हमें दे रखी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो टोटल वैकेंसी जो ओबीसी की उनको जोड़ने पर हम पाते हैं कि 294 वैकेंसीज है, ये टोटल फ्रेंड्स ओबीसी की वैकेंसीज है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि 564 वैकेंसीज इसमें दे रखी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसीज के बारे में हमें बता रखा है। तो इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। देर इज 4% रिजर्वेशन टू दिव्यांगजन PWPD एंड 3% रिजर्वेशन टू द एक्स सर्विसमैन, ये हमें दे रखा है कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए 4% रिजर्वेशन है और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए फ्रेंड्स 3% रिजर्वेशन है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें रिजर्वेशन के बारे में इसमें बता रखा है। इसके आगे देखते हैं तो एज लिमिट के बारे में हमें क्या बता रखा है। एज लिमिट के बारे में फ्रेंड्स हमें बता रखा है द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 24 ईयर्स ऑफ एज, एज ऑन 2 अगस्त 2023, ये हमें बता रखा है कि जो कैंडिडेट है वो फ्रेंड्स 15 साल से नीचे की उम्र का नहीं होना चाहिए। इसके साथ 24 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, जो कि फ्रेंड्स 2 अगस्त 2023 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। मतलब कि जो हमारी एज है वो 2 अगस्त 2023 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, मतलब कि जस्ट जब से ये फॉर्म हम अप्लाई करना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ये डेट हमारी इसमें एनरोल की जाएगी। इन द केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाई 5 ईयर्स। फ्रेंड्स ये जो यदि 24 साल का कोई कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है, मतलब कि 29 साल का कैंडिडेट भी फ्रेंड्स इसमें जो SC/ST कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स OBC में देखें तो 3 साल का हमें दे रखा है, मतलब कि फ्रेंड्स हम देखें तो ये हो जाएगा इसमें टोटल मिलाकर 24 और 3 27 साल का कैंडिडेट फ्रेंड्स OBC में लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें दे रखा है दिव्यांगजन मैक्सिमम 10 ईयर्स, ये हमें दे रखा है, मतलब कि फ्रेंड्स 24 साल यदि एज लिमिट है तो 34 साल का दिव्यांगजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन हमें दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए तो कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ हाई स्कूल 10th विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI इन नोटिफाइड ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, ये हमें दे रखा है कि जो ये हमारा नोटिफिकेशन है अभी हाल ही में 3 जुलाई को आया था। तो फ्रेंड्स 3 जुलाई तक क्या क्या मांगा है कि एक तो हमारे पास जो 10th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए 50% मार्क्स मिनिमम, इसमें बता रखे हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स ITI इन नोटिफाइड ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, ये दे रखा है कि जो ITI ट्रेड है ये फ्रेंड्स ITI हमारी की हुई होनी चाहिए। जैसे कि हम इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन से ITI हमारी की होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम कोपा ट्रेड से अप्लाई करते हैं तो कोपा से हमारी ITI की होनी चाहिए। फीटर ट्रेड से फ्रेंड जैसे हम अप्लाई करते हैं फीटर से तो हमारी जो ITI है वो फीटर ट्रेड की हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। इसके आगे देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट इन द अटैच्ड प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इश्यूड बाय द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। एलिजिबिलिटी ऑफ द दिव्यांगजन फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड शैल बी गवर्न्ड बाई रेलवे बोर्ड्स गाइडलाइंस, ये हमें दे रखा है कि ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये किस प्रकार चेक किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले हमें मेडिकल ऑफिसर से ये प्रेस्क्राइब किया हुआ एक
मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि इस नोटिफिकेशन के अगले वाले फॉर्मेट में दे रखा है, अगले वाले पेजेज में दे रखा है। तो इसके आगे देखते प्रोसेसिंग फी दे रखी है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू पे 100 रुपीज एज प्रोसेसिंग फीस। SC/ST EWS दिव्यांगजन PWBD वुमन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। ये हमें दे रखा है कि फ्रेंड्स SC/ST OBC EWS दिव्यांगजन, इनको फ्रेंड्स ये जो है ये फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स इनके अलावा जो कैंडिडेट है जिसे कि OBC वाले हो गए, अनरिजर्व्ड वाले हो गए, तो ये फ्रेंड्स इनके लिए ये 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, फॉर्म फीस 100 रुपये लगने वाली है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इसके आगे देखते हैं तो मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में भी दे रखा है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दियर एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस 100 रुपीज ऑनलाइन। बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड इंश्योर हिमसेल्फ आर सेल्फ That he या सी इज एलिजिबल अंडर दिस नोटिफिकेशन। ये हमें दे रखा है कि फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन का मोड है ये कैसे होगा, ऑनलाइन। बिल्कुल फ्रेंड्स ऑनलाइन ये इसके लिए ये जो एप्लीकेशन का मोड है ये होने वाला है। किसी भी प्रकार फ्रेंड्स आप इसके लिए ऑफलाइन इसके लिए फ्रेंड्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मोड ऑफ नोटिफिकेशन हमें दे रखा है कि ऑनलाइन होने वाला है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम देखें तो ये दे रखा है कि कैंडिडेट एक बार यदि इसके लिए अप्लाई कर देता है तो इसके बाद में फ्रेंड्स करेक्शन वगैरह नहीं होंगे, और यदि जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है तो ही फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई करें, अन्यथा वो जो एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं होगी। इसके आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में दे रखा है। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी प्रिपेयर टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड बाई द कैंडिडेट्स इन बोथ मेट्रिकुलेशन एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। ये हमें दे रखा है कि सिलेक्शन के लिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या चाहिए, जो एक तो हमारे 10th की मार्कशीट में जो हमारे मार्क्स आते हैं और इसके साथ ही फ्रेंड्स ITI में जो हमारे मार्क्स आते हैं, उन दोनों का फ्रेंड्स हमारे पास ये जो सिलेक्शन होता है तो उन दोनों मार्क्स का एवरेज लिया जाएगा और उन दोनों सर्टिफिकेट्स को बराबर मात्रा में वेटेज दिया जाएगा या फिर महत्वपूर्णता दी जाएगी। इसके आगे ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड के बारे में बता रखा है। द कैंडिडेट्स ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रेशन विद दी डेट कानपुर। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप एज द प्रेस्क्राइब्ड रेट्स एज पर एक्सटेंट रूल्स इंस्ट्रक्शंस। ये हमें दे रखा है कि जो ट्रेनिंग है और स्टाइपेंड है इसके दौरान क्या क्या मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ट्रेनिंग तो हमारी वैसे भी होने वाली है और इसके साथ ही स्टाइपेंड हमें क्या मिलता है, तो फ्रेंड्स स्टाइपेंड होता है गुजारा भत्ता, जो कि हमें उस वक्त थोड़ी बहुत सैलरी के रूप में मिलता है। लगभग फ्रेंड्स 10,000 से 11,000 रुपये हमें स्टाइपेंड के रूप में मिलते हैं। डिस्क्लेमर हमें दे रखा है। एक्ट अप्रेंटिसशिप इम्पार्टेड ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स विल हैव नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन रेलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग। यह हमें दे रखा है कि यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है और यदि हम ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू आप इस रेलवे में परमानेंट कर दिए जाओगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस सर्टिफिकेट को करने के बाद में आप नौकरी की आस इस सर्टिफिकेट के थ्रू मत रखना। इसके आगे देखते हैं अदर कंडीशंस हमें दे रखी है, तो ये कुछ खास नहीं है। इसके आगे फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैंडिडेट शुड नोट दैट ऑल कम्युनिकेशन शेड बी बाय पब्लिशिंग नोटिसेस ऑन एनी रेलवेज वेबसाइट। है हमें दे रखा है कि जो इस वैकेंसी से रिलेटेड आगे जाकर कोई यदि बातचीत होती है तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी से रिलेटेड नोटिस है, ये आगे केवल और केवल रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही इसके बारे में फ्रेंड्स चर्चा की जाएगी। इसके आगे ये फ्रेंड्स हिंदी में दे रखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा निकाली गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा निकाली गई है, उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा फ्रेंड्स ये निकाली गई है, जो कि फ्रेंड्स गोरखपुर यूनिट में ये वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये अप्रेंटिस का निकाला है, जो कि इसकी जो अवधि है वो 1 साल के लिए है। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।